देखिए ये हमारा पूरा पाचन तंत्र है, यहाँ से यहाँ तक देखिए पूरा हमारा पाचन तंत्र है। ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ आपको ध्यान से देखिएगा, तभी आप समझ पाओगे कि इसमें पाइल्स होता क्या है या बवासीर होता क्या है। ओके, ये पूरा क्या है हमारा पाचन तंत्र है। ओके, और गाइस ये पाइल्स होता कहाँ पे है, यहीं यहाँ पे जो रेक्टम, इसे क्या बोलते हैं, रेक्टम या गुदा। ओके, तो वहीं पे होता है, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं मलाशय। क्या बोलते हैं? मलाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मलाशय बोलते हैं। ओके, तो देखो ये होता क्यों है, मलाशय में ही क्यों होता है, वो देखो। अभी आप बात कर रहे थे जब हम फूड खाते हैं या खाना खाते हैं, भोजन करते हैं। ओके, ध्यान से देखना आप, जब हम भोजन करते हैं तो क्या होता है, भोजन सीधा यहाँ से मुंह से होते हुए आता है ग्रास नली से होते 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 यहाँ तक आता है, यहाँ के बाद में इस आमाशय में आता है। ओके, ध्यान से देखो, यहाँ आमाशय में आता है भोजन, उसके बाद में आमाशय से फिर छोटी आंत में ऐसे ऐसे घूमते घूमते फिर बड़ी आंत में घूमता है। अब गाइस बड़ी आंत में जब चढ़ने लगता है, बड़ी आंत में क्या चीज़ अवशोषित होता है, पानी। क्या होता है? पानी अवशोषित होता है। बाकी जो बचा वेस्ट पदार्थ क्या, यहाँ से बड़ी आंत में क्या क्या चीज़ें जाती, वेस्ट जाता है। तो बड़ी आंत में वेस्ट जाता है और क्या जाता है, प्लस पानी जाता है। तो इस पानी और वेस्ट को जब आप जाता है तो यहाँ से क्या होता है, पानी को अवशोषित कर लेता है। कौन? हमारी ये बड़ी आंत पानी को अवशोषित कर लेती है। इसके बाद बच्चा वेस्ट को क्या बोलते हैं, हम काइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइल। क्या बोलते हैं? काइल बोलते हैं। ओके, तो ये काइल कहाँ पे आके इकट्ठा होता है, रेक्टम में। क्या? यहाँ पे रेक्टम में, रेक्टम। ओके, तो रेक्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं, गुदा। क्या बोलते हैं? गुदा। ओके, तो यहाँ पे इकट्ठा होता है गुदा में। अब यहाँ पे इस बड़े वाले फिगर में देखिए, आपको यहाँ पे साफ साफ दिखेगा, इसको हम हटा देते हैं काइल वाइल को। ओके, तो इस वाले फिगर में आप देखिए, ये है हमारा रेक्टम। क्या है? ये पूरा रेक्टम है। ओके, तो यहीं पे स्टोर होता है हमारा ये वेस्ट पदार्थ, हमारे भोजन का वेस्ट पदार्थ यहीं पे स्टोर होता है। अब वेस्ट पदार्थ में, वेस्ट पदार्थ कैसा होता है, एसिडिक होता है या अम्लीय होता है? क्या होता है? अम्लीय होता है। ओके, वेस्ट पदार्थ अम्लीय होता है। जब ये अम्लीय होता है तो यहीं पे ये पड़ा पड़े क्या होता है, ये सड़ा पड़े पड़े पड़ा रहता है इसी में, रेक्टम में। अब रेक्टम में पड़े होने के बाद में क्या होता है, मान लीजिए हमको लेटरिन लगी और हम लेटरिन करने नहीं गए, तो लेटरिन करने हम नहीं गए तो क्या होगा, इसी में पड़ा रहेगा, ये रेक्टम में पड़ा रहेगा। अब जब ये पड़ा रहेगा तो ये क्या करेगा, इसमें एसिडिक होता है, अम्लीय होता है, तो ये धीरे धीरे इस परत को सड़ाने लगता है। ओके, इस परत को सड़ाने लगता है। जब यहाँ से सड़ने लगता है तो ये मांस सड़ के फूल के कुछ इस तरीके से हो जाता है। अब यहाँ से इस तरीके से हो जाता है क्योंकि जानते हो, कहीं भी आप वेस्ट रख देते हो या कूड़ा कचरा धर देते हो तो वो धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगता है, सड़ने लगता है। तो वैसे अगर आप लेटरिंग पे नहीं जाओगे, लेटरिंग करने नहीं जाओगे, तो क्या होगा, यहाँ पे पड़ते पड़ते इस परत को सड़ाने लगेगा और यहाँ से ऐसे मांस का टुकड़ा, मांस से सड़ने लगेगा और मांस से बाहर बाहर की तरफ से फूल जाएगा। ओके, तो अब समझो यहाँ पे बाहर की तरफ जब फूल जाता है मांस, तो क्या होता है, जब आप लेटरिंग पे जाते हो, तहखाने जाते हो, तो क्या करते हो, जब लेटरिंग करते हो तो लेटरिंग तो पड़े पड़े यहाँ पे सड़ चुका है, टाइट हो चुका है, क्योंकि उसमें पानी तो ज़्यादा है नहीं, उसमें बिलरुबिन मिला रहता है। क्या? बिलरुबिन मिला रहता है जिसके कारण, और म्यूकस मिला रहता है जिसके कारण ये पीला हो जाता है हमारा लेटरिंग। ओके, वेस्टेज। तो क्या होता है, इसके थ्रू यहाँ से बाहर निकलेगा। जब ये बाहर निकले तो क्या करेगा, खुरच के इस मांस को भी बाहर लेके निकलने लगेगा। खुरच के इस मांस को बाहर लेके निकलेगा तो हमको पेन होगा, क्या होगा, दर्द होगा। क्या होगा? दर्द होगा। दर्द होगा प्लस खून भी आएगा। क्या? खून। ओके, खून या ब्लड, साथ में ब्लड भी आएगा। तो ऐसे देखिए यहाँ पे ब्लड गिर रहा है या खून यहाँ पे गिर रहा है। ओके, ध्यान से देखो आप, ध्यान से देखो, ये देखो, ये ब्लड ड्रॉप हो रहा है यहाँ पे, ये ब्लड ड्रॉप हो रहा है, खून ड्रॉप हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं क्या, बवासीर। क्या बोलते हैं? बवासीर। क्या बोलते हैं? बवासीर या पाइल्स। क्या बोलते हैं? पाइल्स। ओके, तो अब ये समझ में आ गया ना आपको, पाइल्स या बवासीर क्या होते हैं। अब बात करते हैं इसके लक्षण के बारे में।